क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन। इसको हमने सिंपल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको। अब यहां पे आइडेंटिटीज यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? थ्री रेज टू पावर टू है प्लस टू रेज टू पावर टू है। यस सर। लगाओ जरा दिमाग, क्या करेंगे इसको? तो जो पावर्स हैं उनको लिखने देंगे और थ्री और टू को प्लस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सिंपल जैसे है वैसे ही करना है आपने। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तब आप पावर्स या कुछ ऐसा करते, ठीक है। यहाँ पे एडिशन है तब आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। इसके लिए सिंपल तरीके से सोल्व करोगे। थ्री रेज टू पावर टू है तो थ्री थ्री जा नाइन, प्लस टू रेज टू पावर टू है तो टू टू जा फोर, फिर नाइन प्लस फोर थर्टीन इंटू वन अपॉन टू रेज टू पावर थ्री है, तो इसको भी थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है वन अपॉन टू को। तो वन अपॉन टू को जब आप थ्री टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? वन अपॉन एट, थ्री रेज टू पावर टू करोगे तो क्या हो जाएगा? थ्री थ्री जा नाइन इक्वल्स टू थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू टू जा फोर मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन टू रेज टू पावर थ्री, दैट इज वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू, ऐसे ही होगा। नाइन प्लस फोर क्या हो जाएगा? थर्टीन। थर्टीन मल्टीप्लाई बाई वन इंटू वन इंटू वन, वन बन जा वन, वन बन जा वन, तो यहां पे आ जाएगा वन अपॉन टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। जब थर्टीन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? थर्टीन अपॉन एट, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? यस सर। समझ में आया क्या करना है? यस सर। आइडेंटिटीज आप तभी अप्लाई करोगे जब आप, जब आपके सामने आइडेंटिटी के सिमिलर कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है। अगर कोई आइडेंटिटी अप्लाई ही नहीं होगी तब आपको ऐसे ही फिर आइडेंटिटी कोई भी अपनी मर्जी से अप्लाई नहीं करनी है। पहले चेक करना है कि क्या कोई आइडेंटिटी अवेलेबल है या अप्लाई कर सकते हैं हम। अगर नहीं कर सकते हैं तब आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री रेज टू पावर टू माइनस टू रेज टू पावर टू, इसी का सेकेंड पार्ट है, इसका ही सेकेंड पार्ट है। थ्री रेज टू पावर टू माइनस टू रेज टू पावर टू इंटू टू अपॉन थ्री रेज टू पावर माइनस थ्री, थ्री थ्री जा नाइन माइनस टू टू जा फोर इंटू टू अपॉन थ्री रेज टू पावर माइनस थ्री है। और हमें मालूम है कि जब पावर नेगेटिव होती है तो हम बेस का रेसिप्रोकल लेके पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। करते हैं कुछ ऐसा? यस सर। टू अपॉन थ्री का रेसिप्रोकल क्या आएगा? थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री, थ्री अपॉन टू, ठीक है। थ्री अपॉन टू रेज टू पावर थ्री सोल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। इक्वल्स टू नाइन माइनस फोर क्या जाएगा? फाइव इंटू थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ऐसे ही टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। अब यहाँ पे कुछ कैंसल तो होगा नहीं, कॉमन फैक्टर इन सबके बीच में नहीं है, किसी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के बीच में नहीं है, तो क्या करेंगे? सिंपल, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सेवन, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है।
मालूम है ना रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही रैशनल नंबर की भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 7 जा 35 बताओ जरा 35 तो 35 का 5 3 कैरिड ओवर, क्या बोलते हैं इसको, कैरिड ओवर ही बोलते हैं? यस सर। ये कुछ और बोलते हैं? यस सर। कुछ और तो नहीं बोलते हैं इंग्लिश में? नो। 5 7 35 3 5 2 10 प्लस 3 13 135 सर आवाज कट कर आ रही है। आ रही है, हो गया सेकंड पार्ट भी इसका। यस सर। 3 माइनस ये जो भी है ना फोर्थ फिफ्थ जो नहीं होगा उसको पूछोगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अभी है एक मिनट, एक क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा नहीं होगा तो इसकी इंफॉर्मेशन तो मिली जाएगी। इसका फोटो चाहिए आपको? वैसे रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको वीडियो, जब आप दोबारा बीच मिनट में अपनी क्लास में जाओगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स में इस पूरी की पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पूरी की पूरी क्लास की, ठीक है? यस सर। तो यस सर। यस सर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिख में है, किसी किसके पास नहीं है नोटबुक, सॉरी बुक? सर है, है सबके पास? यस। लिखो जल्दी से। लिख लिया। लिख लिया, ओके। यस सर। सर लिख लिया। ओके, वेरी गुड। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। 2/3 raised to power 2 2/3 raised to power 2 इंटू 2/3 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 2/3 raised to power m। यहां पे आप आइडेंटिटी यूज करोगे, कौन सी आइडेंटिटी? जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सपोनेंट्स। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की एक्सपोनेंट्स के साथ या एक्सपोनेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में अगर बेस जो भी रैशनल नंबर्स हैं या जो भी एक्सपोनेंट का जो भी बेस है, अगर बेस की वैल्यू सभी बेस में या सभी एक्सपोनेंट्स में सेम बेस है तब हम उस बेस को सिंगल टाइम कंसिडर करके, कॉमन कंसिडर करके उसकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे 2+5 क्या आ जाएगा? 7 2/3 raised to power 7 और ये किस चीज के बराबर गिवन है?
टू अपॉन थ्री रेज टू पावर एम। अब यहां पे टू अपॉन थ्री है, यहां पे भी टू अपॉन थ्री है, तो दोनों एक चीज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो m की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, यहां पे आप लिखोगे बाई कंपेयरिंग वी गेट m इक्वल्स टू सेवन, कंपेयर करना है और m की वैल्यू सेवन आपको मिल जाएगी। देखो बेस सेम है दोनों तरफ, तो इसका मतलब कि इक्वल भी हैं और एक दूसरे के, तो m की वैल्यू इसके बराबर होगी जो पावर गिवन है, ये जो हमने फाइंड आउट की सॉल्व करके, हो जाएगा। वैसे ही सेकंड में है, इसका सेकंड पार्ट है टू अपॉन सेवन रेज टू पावर माइनस फाइव इंटू टू अपॉन सेवन रेज टू पावर m इक्वल्स टू टू अपॉन सेवन रेज टू पावर सिक्स। यहां पे भी तीनों में बेस सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यस सर। होंगी या नहीं होंगी, एक मिनट। सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, मैं इसका जो कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, इसको जो टू अपॉन सेवन है वो नहीं लिख रहा हूं, सीधा ही लिख रहा हूं माइनस फाइव प्लस एम हो जाएगा एक तरफ, तो ये सम आ जाएगा, ये लिख दो कोई बात नहीं, टू अपॉन सेवन इक्वल्स टू टू अपॉन सेवन रेज टू पावर माइनस फाइव प्लस एम इक्वल्स टू टू अपॉन सेवन रेज टू पावर सिक्स, यही गिवन है, दोनों तरफ बेस सेम है। यस सर। उसको भी इक्वेट कर सकते हैं, इट इंप्लाइज माइनस प्लस एम इक्वल्स टू सिक्स, इट इंप्लाइज एम इक्वल्स टू, यहां से हम एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं ना, m इक्वल्स टू सिक्स, यहाँ पे माइनस फाइव लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के साथ है फाइव, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू प्लस के साथ हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस फाइव है तो प्लस फाइव हो जाएगा, आता है ऐसे सोल्व वैल्यूज, यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, दिस इज योर आंसर। एक पार्ट बचता है उसको आप करोगे, इनमें भी तीनों में बेस सेम है, क्या हो जाएगा थर्ड में, फोर प्लस फाइव इक्वल्स टू टू एम प्लस वन, यहां से आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फोर प्लस फाइव नाइन, यहां से वन दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वन इक्वल्स टू टू एम, इट इंप्लाइज टू एम इक्वल्स टू एट, और यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एट अपॉन टू, टू बन जा टू, टू फोर जा एट, सो इट यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू फोर। इसमें आपने पावर साथ में रख लेना एक बार, तो क्वेश्चन सिक्स तक हमारा असाइनमेंट 2.2 कंप्लीट हो गई है, सेवन आप लोग देखना खुद करके, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कल बता दूंगा मैं, बट उम्मीद करता हूं कि कल हो जाना चाहिए, आप खुद कर लोगे। ओके, हैव अ गुड डे। इसके साथ हमारी असाइनमेंट 2.2 कंप्लीट होती है, क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन बचता है उसको करना खुद, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ओके सर। ओके, हैव अ गुड डे।